हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन रिमूवल पोटैटो फेस मास्क बनाएंगे। ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा। साथ ही आपके डार्क पैचेस, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगा। ये आपके एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा। यह आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन बनाएगा और साथ ही आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आइए इस 100% नेचुरल और इफेक्टिव फेस मास्क को बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो फेस मास्क बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज का पोटैटो यानी कि आलू ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक पिलर की हेल्प से इसके छिलके को अलग निकाल देंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आलू के छिलके को अलग निकाल दिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें आलू के इस तरह छोटे छोटे पीसेस करेंगे। सो बेसिकली हेयर मास्क बनाने के लिए हमें ये पोटैटो जूस चाहिए। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, पर क्योंकि इसे ग्राइंड करके इसका जूस काफ़ी ईजिली निकल जाता है, तो इसलिए मैं आलू को ग्राइंड कर रही हूँ। तो बस अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आलू को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम एक क्लीन बोल लेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से आलू के जूस को छान लेंगे। तो यह मैंने आलू के जूस को छानकर बोल में अलग निकाल लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच व्हीट फ्लार यानी कि गेहूं का आटा लेंगे। आटा हमारी स्किन पर एज अ क्लेंजर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारे पोर्स को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और सफल बनाती है। साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाती है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच दूध यानी कि मिल्क ऐड करेंगे। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट कर हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है और साथ ही हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट भी बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये 4 से 5 चम्मच पोटैटो जूस ऐड करेंगे। आलू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसलिए हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये हमारी स्किन पर से डार्क पैचेस और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल भी बनाता है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं फेस मास्क की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा पोटैटो फेस मास्क बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली स्प्रेड करें। और इसे इस तरह इवनली स्प्रेड करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 20 से 25 मिनट बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस मास्क के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। आपके डार्क पैचेस और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम तो दूर होगी ही, साथ ही आपका स्किन टोन भी एकदम इवन दिखाई देने लगेगा। आपके एनलार्ज ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी 100% नेचुरल और इफेक्टिव फेस मास्क को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।